हाँ भाई कर दिया हमने। चलिए ध्यान दीजिए, पास बंद करो। हम लोग गैस लॉ पढ़ रहे थे, उसपे हमने बॉयल्स कर लिया, चार्ल्स कर लिया, सुपर चार्ल्स भी हो गया था। अब है गैलुसेक लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ, ये दो बचे हैं, फिर इनको कंबाइन करके आइडियल गैस इक्वेशन करेंगे, ठीक है। चलिए तो तीसरा जो गैस लॉ की चर्चा होगी, तीसरा अपने पास गैलुसेक लॉ, बात बंद हो जानी चाहिए, बात करे देखो मैं बाहर कर दूंगा। ये लो साइकिल देखो, इसका भाई मोबाइल सर अच्छे से टोन लगा के रखते हो एकदम, साइलेंट कर दीजिए। तो इधर देखो काम करता बेटा, पहला कंडीशन क्या है, कैश शुड बी आईडी, ये तो हर इतना बड़ा है सब में लिखा, बात नहीं करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। सेकंड, क्वांटिटी ऑफ गैस शुड बी फिक्स्ड, और तीसरा याद करो वायल्स में टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुका है, चार्ल्स में प्रेशर कांस्टेंट हो चुका है, बचा क्या वॉल्यूम, यानी यहां पे होगा वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम यहां पे क्या होगा कांस्टेंट। और बेटा अगर किसी प्रोसेस, क्या हुआ भाई, देख उसके पास जाना है, चले जाओ ना, नहीं रह पा रहा अकेले तो, ठीक है, ऐसा उसके पास क्या जो मेरे पास नहीं है। वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है, अगर कोई प्रोसेस में अगर बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ऐसे प्रोसेस को आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। समझो पहले बात, आई गैस शुड बी आइडियल, क्या होना चाहिए बेटा, कंडीशन सुनो, मजा आ गया ना, पढ़ो गैस आइडियल की जो आवाजें निकालते हो जल्दी कैसे पकड़ में आ गए, बहुत मारूंगा, ठीक है, पता चल गया किसने निकाला, जो मास के पीछे हरकतें कर रहे हो ना, क्या तो बेटा पढ़ने आए हो पढ़ लो, और मजे लेना है तो फिर बाहर आओ, हम तुमसे ज्यादा मजे लेते हैं, ठीक है। गैस शुड बी आइडियल, क्वांटिटी ऑफ गैस शुड बी फिक्स्ड, एंड वॉल्यूम क्या होना चाहिए कांस्टेंट, बेटा किसी भी प्रोसेस बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना, उसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, चोरिक नहीं कोरिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोकोरिक का मतलब जहां वॉल्यूम क्या हो कांस्टेंट, सी एच ओ, ठीक है, कोरिक प्रोसेस। अच्छा एक बात बताओ, हाँ बोलो, वो एल ए की आर कहाँ बेटा, सी एच ओ आर है बेटा, अब दो साल इसको मेरा आर ही समझना, कैसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है। चलो अच्छा एक बात बताओ, गैलुसेक बोलता है कि अगर कोई गैस आइडियल है जिसकी क्वांटिटी फिक्स है, जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, ऐसे किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर क्या होता है बेटे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, याद करो बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन बनाता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, चार्ल्स में सुबह सुबह वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, बिल्कुल सेम था, यहाँ पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। अच्छा बेटा और ये टेम्परेचर कैसा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर इन केल्विन, यही सब बात पकड़िएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है टेम्परेचर इन केल्विन। अच्छा अगर यानी मैं ये बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाऊं तो एक कांस्टेंट के लगाऊंगा, P इक्वल टू के टी, यानी P बाई टी इज इक्वल टू के, यानी कांस्टेंट, ठीक है, P बाई टी इक्वल टू के यानी कांस्टेंट, याद करो चार्ल्स में V बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट था, क्योंकि यहाँ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी था। अब देखो ये आया भी कहां से, आप खुद देखो सब कुछ आइडियल गैस से ही आएगा, हालांकि अभी हमने आइडियल गैस इक्वेशन डेरिवेट नहीं किया, लेकिन सब लोग जानते हो आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इक्वल टू एनआर, क्वांटिटी ऑफ गैस क्या है फिक्स्ड, नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट होंगे, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और आपका वॉल्यूम भी क्या है कांस्टेंट,
इसको तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सारे कॉन्स्टेंट को एक तरफ कर लू, एन आर बाई पी टू टी, तो ये p और ये पूरा कॉन्स्टेंट है, क्या इसको k लिख सकता हूँ, p इक्वल टू के टी, समझ आ रहा समझ में कि नहीं? ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसका मतलब न्यूमेरिकल के लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा, फॉर न्यूमेरिकल इसके लिए यूज करेंगे p1 अपॉन t1 इज इक्वल टू p2 अपॉन t2, बराबर। चार्ज के लिए यूज करता v1 अपॉन t1 इक्वल टू v2 अपॉन t2, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब यहाँ पे मैं ग्राफ नहीं पढ़ाऊंगा, रीजन क्या है, अगर सुबह के लेक्चर में आप थे तो हमने vt ग्राफ पढ़ाया था, वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ, और बार बार v इक्वल टू kt वाला रिलेशन चल रहा था सुबह, यहाँ भी तो p इक्वल टू kt ही है, यानी सेम ग्राफ बनेगा जैसा हमने सुबह vt ग्राफ पढ़ाया था, तो यहाँ एक भी ग्राफ नहीं पढ़ाऊंगा मैं। मैंने सुबह v और t में ग्राफ प्लॉट किया था, v और t डिग्री सेल्सियस में ग्राफ प्लॉट किया था, v और अंडर रूट t में किया था, vt और t स्क्वायर में किया था, vt और t में किया था, बड़े सारे ग्राफ बताए थे, तो वो बिल्कुल सेम ग्राफ होगा, तो यहाँ नहीं बताऊंगा, बट नोट्स में दिया है बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका गैलुसेक लॉ, इतना ही बताऊंगा यहाँ पे। अगला है आपका एवोगैड्रोज लॉ, चलिए एवोगैड्रोज लॉ। देखो ये तो हमने सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा था, मेरे आपको याद हो कि एट सेम कंडीशन ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बराबर। यानी अगर सारी टेंपरेचर और प्रेशर की कंडीशन कांस्टेंट कर दी जाए तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब हमने सिखाया था कि मान लो सपोज करो मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, मान लीजिए इसका जो वॉल्यूम है मान लीजिए वो है 1 लीटर, ठीक है, इसका टेम्परेचर जो हमने रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर रखा है 180, तो इस कंटेनर में हमने बेटा मान लो हाइड्रोजन गैस भरी है, और हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल की जो संख्या है यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स है, समझो अगर इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे बेटा इतने वॉल्यूम में हाइड्रोजन गैस कितने मॉलिक्यूल है 100, तो अगर इसी कंटेनर में मैं इसी कंडीशन पे ऑक्सीजन गैस भर दूं तो ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल की संख्या भी 100 होगी, नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल की संख्या भी 100 होगी, यानी इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बशर्ते टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो। समझ में आया, एवोगैड्रोज लॉ पढ़ाया था वहां पे भी आपको, सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चलिए इसको अब जरा से उस तरह से लिख लेते हैं आइडियल के हिसाब से, यहां पे भी वही कंडीशन होगी बेटा, पहला कंडीशन गैस शुड बी आइडियल, गैस क्या होगी बेटा आइडियल, क्वांटिटी ऑफ गैस शुड बी फिक्स्ड, quantity of gas should be fixed, और तीसरा बेटा यहां पे temperature और pressure दोनों constant होंगे, ठीक है, यहां पे क्या होगा temperature and pressure both are constant। अब आप खुद दिमाग लगाओ क्या relation बनने वाला है, अपने को पता है बेटे कि PV equal to nRT होता है ideal gas equation, क्वांटिटी ऑफ गैस फिक्स है, नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट, क्वांटिटी ऑफ गैस फिक्स है तो नंबर, यहां सॉरी क्या कह रहा सॉरी, टेम्परेचर क्या होगा आपका कांस्टेंट, प्रेशर भी क्या है कांस्टेंट, आर क्या है कांस्टेंट, तो अब देखो क्या होगा, वॉल्यूम जो है नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, यहाँ पे जो वॉल्यूम है नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई भी गैस आइडियल है जिसकी क्वांटिटी फिक्स है टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ पे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, अच्छा आपने पढ़ा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आपने पढ़ा है कि इक्वल वॉल्यूम में इक्वल मॉलिक्यूल्स होंगे, अच्छा बताओ अगर इक्वल मॉलिक्यूल्स होंगे इक्वल वॉल्यूम में, जब इक्वल मोल होंगे तभी तो इक्वल मॉलिक्यूल होंगे, मैं सपोज करो ऐसा कि मान लो 1 लीटर के कंटेनर में हाइड्रोजन गैस मैंने सपोज करो मैंने भर दिया 1 मोल, तो हाइड्रोजन गैस के कितने मॉलिक्यूल होंगे 1 लीटर में, एवोगैड्रोज नंबर के बराबर, बराबर, तो अगर मैं ऑक्सीजन गैस को भी 1 मोल भरूंगा तभी तो एवोगैड्रोज के बराबर होगा, बराबर ना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स इक्वल कब होंगे जब मोल इक्वल होंगे, भाई 1 मोल में एवोगैड्रोज के नंबर के मॉलिक्यूल, तो अगर दो गैस है दोनों के 1-1 मोल है तो दोनों के मॉलिक्यूल बराबर होंगे ना,
तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, यानी v इक्वल टू k इनटू n, यानी v बाय n इक्वल टू कांस्टेंट, यही होगा। न्यूमेरिकल के लिए v1 अपॉन n1 इक्वल टू v2 अपॉन n2, हालांकि यहां से कोई न्यूमेरिकल पूछा नहीं जाए, ठीक है, एवोगैड्रो से सारे न्यूमेरिकल तो PV equal to NRT से आएंगे आपके, ठीक है, बस इसको पढ़ा दिया, बट इसमें कोई ग्राफ वो भी आपको नहीं प्लॉट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है PV ग्राफ, दूसरा VT ग्राफ, ठीक है, जो सुबह पढ़ाया हमने। तो ये हो गया बेटा चारों आपके गैस इक्वेशन, गैस लॉ। अब अपने को पढ़ना है आइडियल गैस इक्वेशन, यानी इन्हीं लॉ को हम मिला के बनाएंगे आइडियल गैस इक्वेशन। चलिए तो यहाँ पे हम बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको पता है कि डेरिवेट करके ले आऊंगा PV इक्वल टू NRT, सबको पता है, बट डेरिवेशन भी बोर्ड के एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन, इक्वेशन सबको पता है ऑलरेडी, आइडियल गैस इक्वेशन। अच्छा भाई, तो हम कौन कौन से लॉ को मिलाएंगे मैं पहले बता दूं, मैं बॉयल्स को मिलाऊंगा, मैं चार्ल्स को मिलाऊंगा और मैं एवोगैड्रो को मिलाऊंगा, मैं गैलुसेक को नहीं लूंगा, रीजन बता रहा हूं क्यों। अगर तुम बॉयल्स को सुन लो, बॉयल क्या बोलता है बेटा, पहले बहुत ध्यान सुनो, बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या प्रेशर इनवर्सली टू वॉल्यूम, यही तो बात है ना, वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर कम हो गए, ये क्या, ये कौन सा लॉ है बेटा, बॉयल्स लॉ, ये आपका है बॉयल्स लॉ। और ये कब होता है, जब टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट, यानी बॉयल्स बोल रहा भैया वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अब दूसरा, चार्ल्स बोल रहा है वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सब वॉल्यूम के बारे में अलग अलग जानकारी दे रहे हैं, चार्ल्स बॉयल्स क्या बोल रहा है, वॉल्यूम प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये बोल रहा है वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी ये है आपका चार्ल्स, और ये किस पे होता है, यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। अच्छा, और वॉल्यूम के बारे में कोई लॉ जॉन कर देता है क्या, वॉल्यूम के बारे में, एवोगैड्रो, अब ये भी देखा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, बराबर। तो तीसरा है आपका वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या है, एवोगैड्रो लॉ, ये क्या है आपका एवोगैड्रोस लॉ, और यहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर कांस्टेंट। तो देखो ये तीन नियम है जो वॉल्यूम के बारे में तुमको अलग अलग जानकारी दे रहे हैं, ठीक है, बॉयल्स बोल रहा है वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी हर लॉ अलग अलग वॉल्यूम के बारे में जानकारी दे रहा है। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया, चलो भाई अगर मान लो बोला कि मेरे प्रेशर को आधा किया तो वॉल्यूम कितना हो गया, तो भैया डबल, भाई प्रेशर को आधा करोगे तो ये डबल हो जाएगा, मैं टेम्परेचर को अगर बोला मैं टेम्परेचर को डबल किया तो वॉल्यूम क्या होगा, डबल, मैंने नंबर ऑफ मोल्स को डबल किया तो वॉल्यूम क्या होगा, डबल। मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे एक साथ कई चीजों को चेंज किया जाए, कि प्रेशर को मैंने आधा किया, टेम्परेचर को मैंने आधा किया, नंबर ऑफ मोल्स को डबल कर दिया, तो बताइए वॉल्यूम पे क्या पड़ेगा, तब तो आपको एक कंबाइंड इक्वेशन चाहिए ना भाई, एक के बारे में पूछा तुम यहां से देखे बता दोगे कि प्रेशर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रेशर को बढ़ाया तो वॉल्यूम घटा, इसको दो गुना करूंगा तो ये आधा हो जाएगा, इसको आधा करूंगा तो ये डबल हो जाएगा, तो अकेले अकेले तुम जानकारी दे दोगे। लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन बोल दिया कि मैंने प्रेशर को फोर टाइम्स बढ़ाया, टेम्परेचर को हाफ किया और नंबर ऑफ मोल्स को भी आधा कर दिया, तो बताइए वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आपको क्या चाहिए, एक ऐसी इक्वेशन जहां तीनों साथ में आ जाए, मतलब ऐसा है समझो कि आइडियल गैस इक्वेशन का बेसिक फील क्या है, कि जैसे मैं बोलूं एक कहावत है, एक कहानी थी, उसमें आपको बताता हूं कि जैसे चार पांच बेटा अंधे रहते हैं, वो कभी हाथी नहीं देखे रहते कि हाथी होता कैसे है, जरा समझो बात को, तो उनको एक महावत के पास जाते हैं, बोलते हैं भाई मुझे हाथी को छू के फील करना कैसे होता है, अब बेचारा दोनों आंख से अंधे, जिसके हाथ में हाथी की सूंड आ गई, वो बोल रहा है यार हाथी तो झाड़ू जैसा होता है, उसको झाड़ू लग रहा है, ठीक है, या ट्रंक जैसा हो गया ना, ना, ना आपका पाइप जैसा हाथी है, जो पूछ पकड़ा उसको झाड़ू लग रही है, जो पैर पकड़ा उसको खंभा लग रहा है, यानी सब हाथी के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हाथी ऐसा हो, जिसके हाथ में जो आ गया उसके हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बात समझा, इसका मतलब हाथी कंप्लीट कब होगा, जब सबको मिला दो, तो वैसे ये बोल रहा है वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये बोल रहा है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये बोल रहा है नंबर ऑफ मोल्स, तो तीनों को मिला दिया जाए, तो अगर मैं तीनों इक्वेशन कंबाइन कर दूं, इसको मानो इक्वेशन वन, इसको मानो इक्वेशन टू, इसको मानो इक्वेशन थ्री, तो क्या मैं एक साथ ऐसा लिख सकता हूं क्या बेटा, कुछ ऐसा, बराबर, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या, पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इंटू टी,
और डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लगाऊंगा आर, ये हो गया आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एन आर टी। बात समझे ना, पीवी इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पी क्या है बेटे, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस। वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस, और ध्यान रखना कौन सा वॉल्यूम, फ्री वॉल्यूम जो गैस के लिए अवेलेबल हो, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस। और आपका एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। न्यूमेरिकल करते समय तो टेम्परेचर को हमेशा आपको केल्विन में ही रख के सॉल्व करना है, ठीक है। और दिख नहीं रहा है क्या, और R को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सर एक्सप्लेन अगेन, इसमें है क्या बेटा, बॉयल्स के हिसाब से वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, ठीक है। चार्ल्स का है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और एवोगैड्रो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तीनों वॉल्यूम के बारे में अलग अलग जानकारी दे रहे हैं, तीनों को हमने कंबाइन कर दिया, तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स। पी को इधर ले लिया, पीवी इक्वल टू एन इंटू टी, प्रोपोर्शन का साइन हटाया, कॉन्स्टेंट लगाया आर, आ गया पीवी इक्वल टू एन आर। अभी समझ में आ गया, ये नहीं बोला था, पी को इधर किया, हमें समझ में आया। एक एक चीज बतानी चाहिए कि इसको इधर किया तब ये पीवी हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया इतना। अब बात आती है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यूज के बारे में, बात करते हैं जरा। डेरिवेशन समझा, कुछ भी नहीं है और डेरिवेशन कभी करना भी नहीं है, सारे न्यूमेरिकल यहीं से सॉल्व होंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी से। आइए जरा आर की बात कर लेते हैं, फिर कुछ और बातें करते हैं, इसके कंबाइंड गैस इक्वेशन भी बताते हैं। देखिए जरा समझिएगा, आर को हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यानी यूजीसी, ठीक है, यानी यूनिवर्स में पाई जाने वाली सारी गैस के लिए इनकी वैल्यूज कांस्टेंट होती है, फिर चाहे वो जो भी गैस हो। और इनकी वैल्यूज तीन यूनिट में निकाली जाती है, एक तो जूल में इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन इनटू मोल, ये जूल में बेटा आर की वैल्यू होती है। कोशिश करिए अगर याद हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, वो मोस्टली न्यूमेरिकल करते समय दिया रहता है, बोर्ड के एग्जाम में नहीं बट एंट्रेंस में दे देते हैं, ठीक है। तो 8.314 जूल पर केल्विन इनटू मोल, ठीक है। अच्छा, इसका मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, 25/3 कर लेना, बट इसको बोर्ड के एग्जाम में मत करना, एंट्रेंस में बैठना, इसकी जगह 25/3 करना, तुम्हारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, यही आने वाला है, ठीक है। आइए दूसरा बेटा, लीटर एटमॉस्फेयर में 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन इनटू मोल, ये बेटा लीटर एटमॉस्फेयर में आर की वैल्यू है। अरे यूजीसी यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यार, किसी को लग रहा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऐसा नहीं है, ठीक है, समझा। चलिए 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन इनटू मोल, इसका शॉर्टकट बता रहा हूं 1/12। न्यूमेरिकल करते समय अगर ये आ गया तो आप 1/12 रख के अपने शॉर्टकट से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बट बोर्ड के एग्जाम में मत लिखना, नहीं वो नंबर काट देंगे, उनको यही वैल्यू चाहिए, भले तुम पीछे रफ में इसी से करके सॉल्व करो, ठीक है। और कैलोरी में होती है बेटा 1.98 कैलोरी, या फिर इसको हिसाब से लगा लूंगा 2 कैलोरी पर कैलोरी इनटू मोल। ये आर की तीन यूनिट में वैल्यूज है, आपको याद रखना पड़ेगा, जूल में 8.314 लीटर एटमॉस्फेयर 0.0821 उसका शॉर्टकट भी दे दिया, और 1.98 कभी मत रखना, जब भी कैलोरी रखना हो तो 2 कैलोरी रख के आंसर निकालना, वहां बहुत आर्यभट्ट बनने की कोशिश मत करना, ठीक है, 1.9 जो बोल रहा हूं उतना करना है तुमको, ठीक है, 2 कैलोरी रख के आंसर निकाल देना, नहीं लगे हमें बहुत, हम राम सर के स्टूडेंट है, ठीक है, हम तो 1.98 से ही निकालेंगे, समझा, 2 कैलोरी जो बोल रहा हूं उसको समझो। अच्छा अब बात आती है सर ये वैल्यूज आई कैसे, चलो बताते हैं कहां से आई है। अच्छा आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इक्वल टू एनआरटी, एनआरटी ये आर की यूनिट है। अरे नोट्स में सब है भाई, नोट्स में है क्या, नोट्स पहले देखा करो फिर बोला करो नोट्स में है कि नहीं, और मैं कहां से पढ़ा रहा हूं, मुझे खुद नहीं आता, मैं खुद ही नोट से देख के पढ़ा रहा हूं, एटीएम के मोल क्या बोलते हैं पागल, आर की यूनिट देखो पीवी इक्वल टू एन इंटू टी बराबर।
अच्छा मुझे आर की यूनिट निकाले, बहुत ध्यान समझो बेटा। अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन, सब कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, तो अगर मैं एसटीपी की बात करूं, ये सारी वैल्यूज एसटीपी पर हैं, अगर मैं एसटीपी की बात कर लूं तो एसटीपी का स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, 1 atm। अच्छा एक बात बताइए, और नंबर ऑफ मोल्स, क्या एक ही मोल है? इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितना रखना है, 1 मोल। भाई यहाँ पे केल्विन इनटू मोल ना, अच्छा तो ना एक मोल का स्क्वायर है, मोल यानी 1 मोल की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा बताओ कि 1 मोल गैस का एसटीपी पर वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। पढ़ाया है ना, एसटीपी पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम क्या होता है, 22.4 लीटर। तो प्रेशर रख दू बेटा 1 atm चलेगा, वॉल्यूम कितना होगा 1 मोल का, 22.4 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कितने, 1 मोल का निकाल रहा हूं, ठीक है, और टेम्परेचर कितना, 273 केल्विन। इसको आप सॉल्व करेंगे, जब इसको 22.4 डिवाइड बाय 273 करेंगे आएगा 0.0821। ऊपर क्या है, लीटर एटमॉस्फियर, एग्री करते हो, लीटर इनटू एटमॉस्फियर पर केल्विन इनटू मोल, समझ में आया? तो ये हो गई यूनिट, ऐसे आती है, समझ में आ रहा है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फियर में आपका आ गया। ये कैसे आया हमने बता दिया, अब इसी को मैं जूल में कन्वर्ट कर दूंगा, इसी को मैं कैलोरी में कन्वर्ट कर दूंगा, कैसे, इतना समझा कि नहीं पहले कहां से आया। चलिए अब इसी को मुझे लीटर एटमॉस्फेयर को जूल में कन्वर्ट करना है, तो जरा देखिए, 1 लीटर एटमॉस्फेयर ये याद करना पड़ेगा आपको, 1 लीटर एटमॉस्फेयर इक्वल टू 101.3 जूल होता है, ये डेटा याद करना होगा, 1 लीटर एटमॉस्फेयर इक्वल टू 101.3 जूल होता है। मेरे पास कितने लीटर एटमॉस्फेयर आए हैं, 0.0821 लीटर एटमॉस्फियर इज इक्वल टू 101.3 इनटू 0.0821 बराबर। अब इसको सॉल्व करोगे आएगा 8.314 जूल पर केल्विन मोल। तो जूल में कैसे आया, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसी को मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, कैलोरी में। अच्छा एक बात बताओ, केल्विन वो कैसे आएगा, अपने को पता है 4.18 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी, बराबर ना, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल होता है ना, 4.18 एग्जैक्टली, तो 4.18 जूल इक्वल टू क्या होता है, 1 कैलोरी। तो 1 जूल में कितने कैलोरी होंगे, 1 upon 4.18, तो मेरे पास कितने जूल है, 8.314 जूल में क्या होगा, 1 upon 4.18 into 8.314, समझ में आया कि तीनों यूनिट आई कहां से, ये भी बता दिया आपको, ठीक है, कि जनरेशन कैसे हुआ यूनिट का। नहीं भी आता समझ में आया कि हम यूनिट याद रखिएगा, जूल में कितना होता है ये, ठीक है। आइए अगर हम देखते हैं कंबाइंड गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन में ही एक और तरीका आपको बताता हूं, कंबाइंड गैस इक्वेशन, फिर हम न्यूमेरिकल पे आते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पे। चलिए कंबाइंड गैस इक्वेशन, और इसी से सारे इक्वेशन बनेंगे आपके, बॉयल्स के, चार्ल्स के, गैलसैक, एवोगैड्रो, तो कंबाइंड गैस इक्वेशन, ठीक है। चलिए कैसे होगा, बहुत ध्यान सुनिए, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है बेटा, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अच्छा अगर मैं मान लूं प्रेशर भी वेरिएबल है, वॉल्यूम भी वेरिएबल है, नंबर ऑफ मोल्स भी वेरिएबल है, और टेम्परेचर भी वेरिएबल है, ठीक है, तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या पीवी अपॉन एनटी इज इक्वल टू आर लिख सकता हूं, अगर सब कुछ वेरिएबल है, भाई यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट नहीं बोल सकता वेरिएबल है, ये तो कॉन्स्टेंट ही है, ठीक है। अगर मैं मान लूं कि सब कुछ वेरिएबल है आर को छोड़ के, तो क्या मैं इसको पीवी अपॉन एनटी लिख सकता हूं इक्वल टू आर, तो क्या इसको एक आर, आर क्या है बेटा, कांस्टेंट, इसका मतलब क्या पीवी अपॉन एनटी इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकता हूं ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको लिख सकता हूं पीवी अपॉन एनटी इक्वल टू कांस्टेंट आर के बराबर, इसका मतलब क्या होगा, पी वन वी वन अपॉन एन वन टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन एन टू टी टू बराबर। ये हो गया आपका कंबाइंड गैस इक्वेशन,
इसको बोलते हैं कंबाइंड गैस इक्वेशन। अब देखो मैं इसी से सारे चारों इक्वेशन को प्रूव करूंगा। बॉयलर्स क्या था, P1 V1 equal to P2 V2। चार्ल्स क्या था, V1 upon T1 equal to V2 upon T2। गैलुसेक क्या था, P1 upon T1 equal to P2 upon T2। और एवोगैड्रो क्या था, V1 upon N1 equal to V2 upon N2। बराबर। अब इसी से देखो, ये है कंबाइंड गैस इक्वेशन। अब इसी से सारे इक्वेशन आएंगे। चलो मैं बॉयल्स निकालता हूँ। पहला मान लो मैं बोलूं बॉयल्स लॉ का इक्वेशन क्या बनेगा। अच्छा बताओ, बॉयल्स में क्वांटिटी ऑफ गैस क्या होती है, कांस्टेंट। बहुत ध्यान समझना, यानी क्वांटिटी तो कांस्टेंट होगी गैस की, क्वांटिटी ऑफ गैस जो होगी वो कांस्टेंट होगी, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा क्या, एंड टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। ये दो चीजें कांस्टेंट होगी, क्या क्या, क्वांटिटी ऑफ गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट। अच्छा बताओ, अगर क्वांटिटी ऑफ गैस कांस्टेंट हुई तो यानी N1 N2 बराबर है, क्वांटिटी का मतलब मोल्स बराबर है, टेम्परेचर कांस्टेंट यानी T1 T2 भी क्या है, बराबर है। तो क्या बताइए, इस इक्वेशन से P1 V1 equal to P2 V2 नहीं आ गया क्या, क्वालिटी ऑफ गैस फिक्स यानी N1 N2 बराबर, टेम्परेचर कांस्टेंट, T1 T2 बराबर, ये पूरा बराबर, ऊपर क्या आया, P1 V1 equal to P2 V2 डिराइव हो गया बॉयल्स लॉ कंबाइंड गैस लॉ से। समझा कि नहीं समझा, फिर से मैं बता देता हूं। देखो कंबाइंड गैस इक्वेशन क्या होता है बेटा, अपने को पता है PV equal to NRT। माना, हाँ भाई एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक्सप्लेन अगेन ठीक है। अगर बोलो प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर सब वेरिएबल, सब बदल रहे हैं, तो क्या होगा, PV अपॉन NT इक्वल टू R। R क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब PV अपॉन NT इक्वल टू कांस्टेंट। तो याद करो, जब बॉयल्स में होता था PV इक्वल टू कांस्टेंट, तो हम फॉर्मूला क्या बनाते थे, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 ऐसे ही। तो अगर PV अपॉन NT कांस्टेंट, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, नहीं बनेगा, लिए P1 V1 अपॉन N1 T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 T2 बराबर, ये बनेगा। अब मैं बोल रहा हूं, इसको बोलते हैं कंबाइंड गैस इक्वेशन। इसी से सारे गैस लॉ डिराइव होंगे। जैसे बोला बॉयल्स के लिए क्या, क्वांटिटी ऑफ गैस क्या होनी चाहिए, फिक्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, T1 T2 कांस्टेंट। जब ये दोनों कांस्टेंट हो गए, क्या P1 V1 इक्वल टू P2 V2 नहीं हो गया, आ गया ना बॉयल्स लॉ, इसी से कंबाइंड गैस लॉ से, यानी ये सारे गैस लॉ का कंबाइंड फॉर्म है। अच्छा अब चलो जरा चार्ल्स को निकालते हैं यहीं से, चार्ल्स लॉ। यहां पे भी दो बातें फिक्स होंगी, क्या, क्वांटिटी ऑफ गैस फिक्स है और आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। चलिए क्वांटिटी ऑफ गैस फिक्स का मतलब N1 N2 बराबर, भाई क्वांटिटी गैस फिक्स है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, N1 N2 बराबर, और प्रेशर कांस्टेंट है, यानी P1 P2 भी क्या कांस्टेंट, क्या V1 अपॉन P1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 नहीं आ गया, यहां से समझ में आया क्या, इसलिए यहां से क्या आ जाएगा, क्वांटिटी फिक्स, क्वांटिटी क्या फिक्स, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या था, कॉन्स्टेंट था, गैलुसेक में क्या था, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट था। तो क्वांटिटी फिक्स का मतलब N1 N2 क्या हो गया, बराबर, N1 N2 क्या हो गया, बराबर, क्वांटिटी फिक्स, वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी P1 V2 बराबर, क्या P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2 नहीं आ गया, समझ में आ रहा है क्या, तो यहां से आ गया P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2, समझा। एवोगैड्रो से प्रूफ कर देता हूं, एवोगैड्रो, अच्छा एवोगैड्रो में क्या होगा बताइए, अब आपको पता है यहां पे क्या है, एवोगैड्रो में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, इसका मतलब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट, यहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो T1 T2 बराबर, P1 P2 बराबर क्या आएगा, V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2, यानी V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2, समझ में आया कंबाइंड गैस इक्वेशन। इसको जरा नोट कर लीजिए, नोट्स करिए, अभी बोल रहे हैं बॉयल्स लॉ एक्सप्लेन करो,
पिछले लेक्चर से कॉलेज का पढ़ रहे हो, हाँ बोलो 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 बोलो, हाँ पूरा लिखना रहता है। पूरी कहानी खत्म हो गई बेटा। वायरस लास्ट लेक्चर में हुआ था, सुबह भी हुआ है, और ना जाने अनजाने में एक बार और हुआ है आज, उसके बाद भी नहीं समझ आ रहा। बहुत बात करते हो, नजरों में चढ़ जाओगे ना, एक दिन पिट जाओगे, समझ रहे हो ना? अभी दूसरा रूप तुम देखे ही नहीं हो, आपको लग रहा होगा ऐसे मैं हंसता रहूंगा, कुछ बोलेंगे नहीं, स्टार्टिंग अच्छी नहीं बोल रहा, बाहर की बोल रहा हूँ, समाओगे तुम भाई को क्या उसके इसके यहाँ तुम्हारे बहन वन पड़ गई है? नहीं नहीं कौन था उसका जो Thank you.
क्वांटिटी फिक्स्ड है, वॉल्यूम कौन? वो क्या लिखते हैं? हो गया बेटा लिख के आप आइडियल गैस इक्वेशन पे, ठीक है? तो ऐसे लोग कैसे साइंस ले लेते हैं मुझे समझ नहीं आता। ये धर्मवीर और रणवीर है, इनको चैट पे उल्टे सीधे मैसेज कर रहे हैं, उनको कोई इनको मजा ही नहीं आ रहा, उनको लड़कियों से बात करने मजा आ रहा है। ऐसे कैसे? मैंने फोन बोल दिया, फोन जा रहा हूँ उनके पास, मैं चैट पढ़ लेता हूँ, सबका चैट पढ़ता हूँ कौन क्या लिख रहा है यहाँ पे। बोल दिया आगे बराबर ले लेंगे। चले दो, चले न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। हाँ हाँ बोलो। नहीं ऐसे नहीं बनते। अच्छा कुछ चीजें और देखो, देखो जरा सम अदर फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये इसलिए इसको बता रहा हूँ कि मान लीजिए कभी आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन और आपको चारों ऑप्शन में पीवी इक्वल टू एनआरपी दिखाई नहीं, तब क्या करोगे? मतलब उसी को थोड़ा रीअरेंज करके लिख देता है। कैसे? सम अदर, ये नोट्स में लिखा है, सम अदर फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। अभी टॉपिक कर रहा हूं, फिर न्यूमेरिकल पे आता हूं, परेशान इक्वेशन। देखो जैसे अपने को पता है कि मेन चीज तो बेटा यही है, मेन इक्वेशन तो है पीवी इक्वल टू एनआरटी, बराबर। मैं वो वाले क्वेश्चन करा रहा हूं, मान लो पीवी इक्वल टू एनआरटी का ऑप्शन ही नहीं मिला, तब आप सोचोगे यार ये तो चारों ऑप्शन गलत दिया है ही नहीं आइडियल गैस इक्वेशन। देख क्या क्या कर सकता है वो इसके साथ। अच्छा इसको P को मैं ऐसे रहने दूं बेटा और V को पहले ऐसे रहने दो, क्या नंबर ऑफ मोल्स को मैं मास अपॉन मोलर मास लिख सकता हूं? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला
मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। अच्छा आर इंटू टी लिख सकता हूं। अच्छा बेटे क्या मैं मोलर मास को लेफ्ट साइड लेके वॉल्यूम को नीचे ला सकता हूँ क्या? इसका मतलब पी एम ओ मोलर मास इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी। क्या मास अपॉन वॉल्यूम को मैं डेंसिटी लिख सकता हूँ? इसका मतलब पी एम ओ इक्वल टू रो आर टी। ये भी आइडियल गैस इक्वेशन, बात समझा क्या? ये नहीं दिखेगा तो ये ढूंढेंगे हम लोग, समझ में आ गया? सेकंड देखिए बाप, PV equal to NRT, but शायद मैं 90% केस बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल इस पे नहीं आएंगे। ये एक ही ऑब्जेक्टिव सही कराएगा, which of the following is ideal gas equation, ठीक है, जब ये नहीं दिखा रहेगा आपके सामने। चलिए PV equal to NRT, न्यूमेरिकल शायद तुमको यही से निकालने हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल भी नहीं आएगा गारंटी, ठीक है। हाँ न्यूमेरिकल में मास अपॉन मोलर मास करके मोल निकालने के शायद इसका इस्तेमाल करना पड़ जाए, ठीक है। चलिए अच्छा इसको एक तरह और लिख सकते हैं, PV equal to, ये अगर मैं इसको लिख दूं बेटा मास अपॉन मोलर मास इंटू आर इंटू टी, ऐसा लिख सकता हूं। और ध्यान से देखिए बेटा, सो पी वी इक्वल टू ये मास और आर अपॉन एमओ इंटू टी लिख सकता हूं। इस एमओ को आर से डिवाइड मार सकता हूँ ना, तो अब देखो इसको बोलते हैं पी वी इक्वल टू स्मॉल आर इंटू टी। ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है। अब बात करते हैं स्मॉल आर क्या होता है। स्मॉल आर को बोलते हैं बेटा स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, इसे क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, जबकि कैपिटल आर होता था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये स्मॉल आर यानी स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, और याद करो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बेटा हर गैस के लिए कांस्टेंट होता है, बट स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट गैस पे डिपेंड करेगा, हर गैस के लिए आर की वैल्यू अलग होगी क्योंकि हर गैस का मोलर मास अलग होता है। बात समझा ना भाई, आर कैसे आता है बेटा, या जब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को गैस के मोलर मास से डिवाइड मारोगे, क्या हर गैस का मोलर मास दुनिया में सेम होता है क्या? भाई मीथेन गैस 16 ग्राम की होती है, हाइड्रोजन गैस 2 ग्राम की होती है, नाइट्रोजन गैस 28 ग्राम की होती है, तो आर की वैल्यू तो अलग अलग आएगी ना। इसका मतलब स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, अच्छा क्वेश्चन में फंसा सकता है कि स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट क्या गैस पे गैस को चेंज करने से चेंज होगा इसकी वैल्यू? यस चेंज होगा, क्योंकि हर गैस का मोलर मास अलग होता है। बात समझा क्या? तो ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है, समझ में आ रहा है। चलिए तीसरा एक और कर सकते हैं, वो क्या, पीवी इक्वल टू एन आर टी हम जानते हैं। सो पीवी इक्वल टू क्या नंबर ऑफ मोल्स को मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर लिख सकता हूं? पढ़ाया था मोल कंसेप्ट में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर आर इंटू टी, ठीक है। अच्छा इसको भी कैसे रीअरेंज कर सकता हूं क्या, PV equal to N number of molecules R upon NA लिख सकता हूं क्या? बराबर। और अगर बेटा मैं R upon NA लिखूं तो इसको बोलते हैं small k, this is called Boltzmann constant। इसको क्या बोलते हैं? Boltzmann constant, k को बोलते हैं Boltzmann constant। अगर इसकी वैल्यू भी निकाल दूं मैं तो R का वैल्यू 8.314 जूल, अगर इसकी वैल्यू भी निकाल दूं मैं आपके सामने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, ये आ गया जूल में, और ये 6.022 into 10^23, इसकी वैल्यू आती है 1.38 into 10^-23 जूल, ये आई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू। समझ में आया क्या? तो वैल्यू भी याद रखेंगे तो अच्छी बात है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आया समझ में, जूल में ही आएगा। तो ये भी बेटा क्या हो गया, PV इक्वल टू इसको क्या लिख सकता हूँ, PV इक्वल टू NKT। ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है। तो मान लो अच्छा क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल गैस इक्वेशन और PV इक्वल टू NRT मिला ही नहीं, तो आप ढूंढना ये दिया रहेगा, ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है। समझ में आया क्या? कोई डाउट तो नहीं किसी को इतने में? हाँ हाँ, तो बेटा फिर एक ऑप्शन बनाएगा बोथ 1 एंड 2, बोथ 2 एंड 3, ऐसा ऑप्शन बनाएगा फिर। वो तो जब क्वेश्चन सॉल्व करो तब पता चलेगा ना तुमको, ठीक है। चीजें बेटा मैं बहुत ज्यादा पढ़ा देता हूं, आप उससे सच्चाई में बताऊं, हो सकता तुमको मिले भी ना। ये कब मिलता है? जब आप जेई एडवांस एडवांस में अपीयर होते हो, ठीक है, जेई मेंस तक भी लेवल नहीं उठाएगा तुम्हारा। जब आप एडवांस में आते हो तो क्वेश्चन पीवी इक्वल टू एनआरटी से ना लेके पीवी इक्वल टू एनकेटी से निकलवाता है प्रेशर जेई एडवांस में, ठीक है। तो पढ़े सब रहो, नहीं आए कोई बात नहीं, बट नॉलेज तो अपडेट रखो ना अपना कि ऐसा कुछ हो सकता है, तभी आप दूसरों से अलग रहोगे। जो दूसरे पढ़ रहे हैं उतना ही पढ़ोगे तो फिर उसी रेस में शामिल रहोगे, रेस से बाहर जाना है। लोग पीवी इक्वल टू एनआरटी जानते, तुम इतना कुछ जानते हो, ये भी आइडियल गैस इक्वेशन। तभी क्योंकि क्वेश्चन का जेई का क्या कंसेप्ट रहता है, जेई नेवर रिपीट क्वेश्चन,
वो आज जो पूछ लिया इस साल, अब जिंदगी में कभी नहीं पूछेगा वो क्वेश्चन, वो नया ही बनाएगा, समझा। नीट वुड में क्या 60% क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, समझ में आ रहा है। जेई कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, जो क्वेश्चन आ गया, हाँ हो सकता है उसी कंसेप्ट पे दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू देके क्वेश्चन सेम पूछे, बट सेम न्यूमेरिकल वैल्यू सेम क्वेश्चन कभी नहीं आएगा जेई में, ठीक है। अगर पूछ लिया उसने कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे मान लीजिए आपने, आप पढ़ते हो एल्केन्स वगैरह पढ़ लिया हो ना, सिंपल सा पूछ लिया भैया कि एल्कीन पढ़ाया दिया क्या, एल्कीन भी हो गया, तो आपको बता दिया कि अगर एल्कीन से एल्कीन का रिडक्शन करके हमको एल्केन बनाना है, और हमने अगर रिडक्शन सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में किया तो क्या बनता है आपका, इथेनी बनेगा, ठीक है, उसको बर्स रिडक्शन बोलते हैं। तो बर्स रिडक्शन से क्वेश्चन पूछ लिया, फिर अगले साल अब नहीं पूछेगा बर्स रिडक्शन। हाँ सीटी बेटा जितना पढ़ा रहा हूँ, इतना अगर पढ़े रहोगे सीटी तो ऐसे उड़ा दोगे आप, सिर्फ मार्वल के क्वेश्चन कर लो बस, एक बुक आती है मार्वल करके उसको, हाँ मार्वल का ले लो बेटा बुक, और उसके क्वेश्चन चैप्टर वाइज सॉल्व कर डालो बच्चे। अगर सीटी देना है तो ज्यादा तकलीफ रहने की जरूरत नहीं है अब। लेकिन तुम कहोगे सर फिर आप इतना पढ़ाओ भी मत तब भी गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ जेई वाले भी बैठे हैं, नीट वाले भी बैठे हैं, सीटी वाले, तो हम पूरा जेई और नीट के हिसाब से पढ़ाते हैं, सीटी वालों को जितनी जरूरत है भैया आप इसमें से छान के ले लो। हाँ मल्टीपल चॉइस आते हैं क्वेश्चन, लेकिन उसमें आंसर कैसे बनाएंगे, मल्टीपल चॉइस ऐसे नहीं आएंगे, आंसर कैसे बनता है सीटी का। जैसे मान लो दो ऑप्शन करेक्ट है तो एक ऑप्शन ऐसा बनाएगा बोथ वन एंड टू, सिंगल करेक्ट ही आते हैं सीटी में, सिंगल करेक्ट आंसर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जेई मेंस में भी नहीं आते, जेई मेंस में आपके 25 क्वेश्चन ही पूछेंगे, 20 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट और 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएंगे न्यूमेरिकल, उस पर माइनस मार्किंग नहीं होती, बाकी 20 क्वेश्चन माइनस मार्किंग होती, यानी 25 आपका 25 ही क्वेश्चन रहते हैं केमिस्ट्री में, 20 ऑब्जेक्टिव जिसमें एक करेक्ट होगा, 5 न्यूमेरिकल यानी कि जिसका आंसर 0 to 9 के बीच में आएगा, उसको बोलते हैं आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन, वो 5 होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बात समझा। तो ध्यान रखिए जिसको सीटी देना है बेटा वो मार्बल परचेस कर ले, चैप्टर खत्म हो जाए तो क्वेश्चन स्टार्ट करो, क्वेश्चन तुम्हें करना है और उल जलूल क्वेश्चन नहीं करने हैं, उल जलूल मतलब बेकार वाले। आप लोग क्या करते हो ना, पता नहीं कहां कोई बुक सजेस्ट कर देता है कि ये सॉल्व कर डालो केमिस्ट्री में, पी बहादुर जो है गए लेके चले आए फिजिकल केमिस्ट्री के, अरे तुम्हारा दिमाग भी तो उस लेवल का पहली बात होना चाहिए ना, तुम बुक जाके ले आते हो दुनिया भर की परचेस करके। मैं बोलता हूँ कोई एक बुक सॉल्व करो, इससे जो नीट सुबह भी बताया था नीट वाले बंदे, नीट गाइड आती है एमटीजी की, उसको ले लो चुपचाप, क्योंकि एमटीजी फिंगर टिप्स क्लास से दी जाएगी, उसको हम लोग सॉल्व कराएंगे, तो एक बुक तो हमारे लोग के खाते में आ गया, एमटीजी फिंगर टिप्स हम लोग सॉल्व करा देंगे। एमटीजी की नीट गाइड आप ले लो जिनको नीट देना है, केमिस्ट्री का 500 to 550 की है, ठीक है। और दूसरा जिसको जेई देना है वो यूनिवर्सल की आप एररलेस केमिस्ट्री ले लीजिए, यूनिवर्सल की आती है जेई मेंस के, ठीक है। और जिनको सीटी देना है वो मार्वल ले लेना, खत्म बात, इतना ही है, वो बुक अपने पास रखिए और क्वेश्चन न्यूमेरिकल आप सॉल्व करिए, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा बेटा, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ने के बाद भी आप न्यूमेरिकल नहीं होते। रीजन क्या होता है कि कंसेप्ट जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है ना वो एकदम अलग होती है, सब्जेक्टिव आप बोर्ड में शायद 90-95% पा जाओ, अच्छा लिख के चले आओगे तो, लेकिन आप हो सकता है 90% पाने के बाद भी एंट्रेंस आपका ना निकले, क्योंकि एंट्रेंस नहीं देखा है तुम्हारे कितने, हाँ तुम्हारे 95% है, इसका तो भगवान ने तुमको दिमाग दिया है, इतना ही कंफर्मेशन है बस कि तुम अच्छे हो दिमाग से, अब उसको कितना घिसे हो वो तो डिपेंड करता है तुमने कितना क्वेश्चन किया है, और जितने एमसीक्यू 2 साल में कर लोगे उतना ज्यादा तुम्हें कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा तुम्हारा, जितने एमसीक्यू लगा डालोगे। और एक बुक बस, 4 तरह की बुक ना, हम इसको भी कर ले, हम इसको, हाँ पहले तुम एक पहलो सर हमारा मार्वल खत्म हो गया, आप कुछ बताओ तब मैं दूंगा तुमको, बट तुम 2 साल में मार्वल खत्म कर दिखा, बात समझाना। एक बुक जो परचेस करो पहले उसको खत्म करके आओ, कि हम यहाँ से हमारे पास यूएसएस है, हम यूएसएस छोड़ दिए, अपने दोस्त की नीट वाली ले आए, चलो आज इसको सॉल्व करते हैं, नहीं, जो तुम्हारे पास है ईमानदारी से अगर तुम, और उसमें भी देखो सारे क्वेश्चन नहीं करने का, जो प्रीवियस ईयर में यूएसएस अच्छी बुक क्यों होती है, यूएसएस में बड़ा खास पैटर्न होता है, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही दिए रहते हैं, चाहे वो नीट में आए हुए हो, चाहे जेईई मेंस में आए हो, कुछ भी, बात समझा ना। तो उसमें आप पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व करना होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भैया क्वेश्चन आते कैसे हैं, पढ़ाने के बाद कुछ भी उल चलूल पढ़ाओ, तुम सोचोगे, तुम अपने आप क्वेश्चन सोचते हो सर अगर ऐसा दिया होगा तो क्या होगा, पहले जाके सच्चाई देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का, ऐसा कभी आया भी है क्या, समझा क्या मतलब, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप सर मुझसे डाउट ही पूछने ना हो कि हाँ सर जितना पढ़ाया है उसी में सब कुछ आ रहा है, हमको फार्मूला नहीं याद था इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, बस बात समझा ना। बाकी तो कुछ भी पूछ सकते हो सर, और कुछ बना सकते हैं, जैसे आज एक सुबह बच्ची पूछ रही थी, मैंने पूरा वीटी ग्राफ पढ़ा दिया, वो ये ग्राफ लेके आई, सर क्या ऐसा कोई ग्राफ आ सकता है, अरे कैसे आएगा यार 20 स्क्वायर का ग्राफ,
ठीक है, तो पूछ रहे थे नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, आप जो सोचते हो वैसा नहीं होता, आप इसलिए सोच रहे हो क्योंकि आपने अभी इंट्रेंस का क्वेश्चन करना सॉल्व ही नहीं किया कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। हम लोग 8 साल से यही काम कर रहे हैं ना, हमने बहुत डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम पढ़ाते हैं और नॉर्मल चीजें होती हैं, रिपीटर्स बैच को बहुत पढ़ाया हूं, तो जेईई मेंस और नीट के रिपीट करते हैं, तो अपने को पता क्या आता है क्या नहीं आता, इतना ही पढ़ो क्वेश्चन कर डालो बस, बात समझो ना। जितना तुम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे तुम्हारी केमिस्ट्री उतनी अच्छी, और जिसको ऑब्जेक्टिव आ रहा है समझ लो चैप्टर तैयार है, और ऑब्जेक्टिव नहीं कर पा रहे हो समझ लो तुमको चैप्टर नहीं आता, तुम रटे हो सब बस बैठ के, एप्टीट्यूड तुम्हारा क्वेश्चन पे क्लियर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन करिए बेटा, जो ऑब्जेक्टिव करेगा वही सफल होगा, ये जान लीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दिए, नोट्स पढ़ लो मेरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो या कोई एक बुक सॉल्व कर लो, खत्म कहानी, ठीक है। और ऐसे नहीं बोलता बेटा कि हमारे पढ़ने बाद तुम्हारा 100% हो ही जाएगा, यार ये कंपटीशन है, कुछ भी करता है ठीक है, बट हाँ 90% क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व होंगे, ये गारंटी है। और आपको पता है सिलेक्शन कितने परसेंट पे होता है, ठीक है, जेई में तो हमको 40% क्वेश्चन सही करके आप सिलेक्ट हो जाते हो, और नीट में 60% हो जाता है सिलेक्शन, और हमारे पढ़ने के बाद अगर तुम जाके क्वेश्चन लगाओगे तो 90% क्वेश्चन निकलेंगे, सिलेक्शन के बहुत करीब हो, उतना कर डालो बस, ठीक है। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन होगा, एक क्वेश्चन और आगे आइडियल गैस इक्वेशन, एब्सोल्यूट डेंसिटी का क्वेश्चन, ये मैंने पहले भी दे रखा है, देखो एब्सोल्यूट डेंसिटी याद करिए, एब्सोल्यूट डेंसिटी का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने लिखा के दिया था, रो इक्वल टू पीएम बाय आरटी, याद आया, ये गैस की एब्सोल्यूट डेंसिटी, यहां से क्वेश्चन आते हैं नीट वगैरह में, ठीक है, पीएम बाय आरटी, पी क्या है प्रेशर ऑफ गैस, एम क्या है मोलर मास ऑफ गैस, क्योंकि डेंसिटी मास पे डिपेंड नहीं करती। बताओ मैं बोलूं पानी, मैंने 1 लीटर लिया है, पानी मैंने 4 लीटर लिया है, तो क्या 4 लीटर पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीएम क्यूब नहीं होगी क्या, पानी की डेंसिटी तो 1 ग्राम पर एमएल ही होती है ना, चाहे 1 किलो पानी लो चाहे 2 किलो पानी लो, उससे क्या मतलब, बात समझा क्या, डेंसिटी थोड़ी बदल जाएगी मास चेंज करने से, इसलिए यहाँ ये मास नहीं है मोलर मास, समझा, ठीक है। तो पी क्या है बेटा, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस, एमओ क्या है बेटा, मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस, आर क्या है, यूजीसी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जब इसके क्वेश्चन करना तो एक बात बता दूं, प्रेशर को हमेशा जब रखोगे तुम एटीएम में, क्योंकि आज तक जितने क्वेश्चन बने हैं उसमें डेंसिटी का जो ऑप्शन बनाया है वो ग्राम पर लीटर बना के दिया है, तो मैं उस हिसाब से सेट कर देता हूँ मामला पूरा, प्रेशर को एटीएम में रखोगे, मोलर मास आपका ग्राम में होगा, ये आप केल्विन में रखोगे, और इसको आप लीटर, इसको अगर एटीएम में रखा तो आर पक्का लीटर एटमॉस्फेयर रखना होगा, क्या 0.0821, इसको आर को हमेशा इसमें रखोगे, तो आपकी जो डेंसिटी निकल के आएगी वो हमेशा ग्राम पर लीटर में निकल के आएगी, और यही ऑप्शन बनाएगा आपके सामने ग्राम पर लीटर, ठीक है। प्रेशर कोशिश करना एटीएम में रखने के, और प्रेशर एटीएम में रखा तो आर की वैल्यू एटीएम में क्या होती है 0.0821 बराबर, तो एटीएम एटीएम कैंसिल हो गया, मोलर मास किसमें है, ग्राम, ठीक है, और आपका ये टेम्परेचर किसमें है, केल्विन, ठीक है, तो आपका क्या होगा ग्राम पर, और यहाँ पे लीटर भी तो है, ठीक है, तो आपका ये पूरा होगा ग्राम पर लीटर, क्योंकि आर की वैल्यू क्या रखोगे 0.081 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन इनटू मोल, ठीक है, चलो समझ में आ गया, तो ग्राम पर लीटर में आ गया ये ऑप्शन। अब किसी को लग रहा होगा सर आया कहां से, तो ये भी बता देता हूँ ये इक्वेशन आया कहां से, देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV equal to nRT, बराबर, अच्छा PV equal to mass upon molar mass into R into T, so molar mass को मैं left में ले गया, इसको यहाँ पे ले आया R into T, तो PMO equal to mass upon volume density rho RT, so rho equal to क्या PMO upon RT, तो आएगा, बात समझा क्या, ये यहाँ से आया, कोई डाउट तो नहीं किसी को, कहां से आया ये रो इक्वल टू पी बाय, अब चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, सारा कांसेप्ट हो गया आइडियल गैस के, ठीक है। अब क्वेश्चन, चलिए पहले अपना क्वेश्चन करा देता हूं, अभी एक कांसेप्ट बस बाकी है, उसको भी क्वेश्चन के साथ ही लूंगा, जहां पे मॉइस्ट गैस दे देता है वहां पे थोड़ा सा मामला फंस जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम मीथेन एट
27 डिग्री सेल्सियस एंड 380 mmHg प्रेशर। बहुत ध्यान से समझिए, और आपको हिंट दिया कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1। ठीक है, चलिए क्या बोला, फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है ऑफ 32 ग्राम मीथेन एट 20। देखो आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं, मास ऑफ मीथेन दिया है क्या 32 ग्राम, बराबर, ठीक है। अच्छा टेम्परेचर कितना 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 यानी 298 केल्विन, पहले केल्विन में चेंज कर दो। प्रेशर दिया है 380 mmHg प्रेशर यानी 380 mmHg प्रेशर, और आपको वॉल्यूम पूछ रहा है, पक्का PV इक्वल टू एनआरटी से सॉल्व होगा आइडियल गैस इक्वेशन, तो PV इक्वल टू एनआरटी बराबर आपको क्या निकालना है वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो ध्यान दो, प्रेशर किसमें दिया है mmHg, ध्यान रखना मैंने बोला था कि आइडियल गैस इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कोशिश करो प्रेशर को एटीएम में रखने की, प्रेशर को एटीएम में रखने की और वॉल्यूम को लीटर में, जब भी प्रेशर एटीएम में रखोगे वॉल्यूम लीटर में आएगा, ठीक है। और आप चेक कैसे करोगे कि ऑप्शन क्या दिया है, जैसे इसका ऑप्शन दिया था 10 लीटर 100 लीटर 50 लीटर 30 लीटर, तो आपके वॉल्यूम का आंसर किस में आया है लीटर, तो पक्की बात है प्रेशर को तुमको एटीएम में रखना, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, और वैसे भी तुम श्योर हो जाओ। अच्छा बताओ यार, मैं तुमको जो ट्रिक बता रहा हूँ आप उसको सॉल्व करो, अगर तुम लीटर निकाले क्या उसको एमएल में नहीं कन्वर्ट कर पाओगे क्या, अगर एमएल में आंसर दिया होगा, कर सकते हो ना। तो जब भी ध्यान लो, एकदम दिमाग में सेट कर लो कि जब भी पीवी इक्वल टू एनआरटी का न्यूमेरिकल सॉल्व करने चले तो प्रेशर को हम किस में रखेंगे एटीएम, और जब प्रेशर को एटीएम में रखोगे तो आर की वैल्यू लीटर एटमोस्फियर 0.0821 वाली रखोगे। अच्छा तो प्रेशर कितना दिया है 380 mmHg, इसको एटीएम में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 760, क्योंकि हमने पढ़ाया था कि 1 ATM इक्वल टू 760 mmHg, जहां मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैस पढ़ाया था हमने, ठीक है। 1 ATM इक्वल टू 760 mmHg, इसका मतलब 760 mmHg इज इक्वल टू 1 ATM, सो 1 mmHg इक्वल टू 1/760 ATM, इसका मतलब 380 mmHg इज इक्वल टू 1/760 × 380, मैंने यही तो किया है, समझा क्या, प्रेशर को कन्वर्ट किया हमने किस में आपका एटीएम में। अच्छा वॉल्यूम ही तो निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, यार नंबर ऑफ मोल्स तो मीथेन का दिया नहीं, मास दिया है, तो क्या मास अपॉन मोलर मास करके हम नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल सकते मीथेन का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन इक्वल टू मास ऑफ मीथेन अपॉन मोलर मास ऑफ मीथेन, मास ऑफ मीथेन दिया है 32 ग्राम, मोलर मास एक कार्बन हो गया 12 ग्राम का, चार एक हाइड्रोजन 1 ग्राम का, चार हाइड्रोजन 4 ग्राम का हो गया, इसका मतलब 32 डिवाइड बाय 16 यानी 2 मोल, बराबर, यानी 2 मोल, यानी एन की वैल्यू आ गई 2, आर 0.0821, टेम्परेचर 298, समझा। अब इसको जब पूरा इत्मीनान से बैठ के सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम आएगा 100 लीटर, क्या सॉल्व करके भी दिखाना पड़ेगा, ये तो गुड़ा भाग कर लेते हो ना, इतना ही बताना ठीक है। अब इसको आप चाहो शॉर्टकट करने के लिए इसको 2 रखो, इसको 1/12 करो, 298 ये 6, इसको काटो फटाफट सॉल्व करो, समझा क्या, ठीक है। तो ये आएगा आपका वॉल्यूम कितना 100 लीटर, ठीक है, हाँ बोलो 300 डिग्री, तो आंसर क्या आएगा आपका बेटा 100 लीटर। अगला क्वेश्चन दे, आप निकालो एक क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करिए जरा, अगला क्वेश्चन में दे रहा हूं, एकदम आसान क्वेश्चन है, इसी से मिलता जुलता सेम टाइप का क्वेश्चन, फाइंड द प्रेशर, एकदम आसान क्वेश्चन दे रहा हूं आप सॉल्व करिए, फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस, मान के चल रहा हूं नाइट्रोजन गैस आइडियल है, ना भी बोले तब भी आइडियल ही मान,
एट 127 डिग्री सेल्सियस इन अ कंटेनर ऑफ 10 लीटर इन अ कंटेनर ऑफ 10 लीटर ठीक है, आपको प्रेशर निकालना है ठीक है, चलिए निकालिए जरा और मुझे आंसर बताइए। इस बार कुछ आपको चेंज नहीं करना, डायरेक्ट आंसर आएगा एटीएम में। लीटर बेटा लीटर वॉल्यूम है, एलआईटी मतलब लीटर। यस वेरी गुड, वेरी गुड, 1.6 एटीएम आया होगा। 90 कैसे आएगा बेटा, 90 आ रहा, 90 कहां से आएगा, 1.6 एटीएम आया क्या? यस यस अदिति, 1.6 एटीएम राइट। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द प्रेशर, प्रेशर निकालना था,
पीवी इक्वल टू एन आर टी बराबर प्रेशर निकालना, तो क्या मैं इसको एन आर टी बाई पी लिख सकता हूँ? सिंपल सा, नंबर ऑफ मोल्स कितना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम, मोलर मास 28 ग्राम होता है, क्योंकि एक नाइट्रोजन 14 ग्राम का होता है। मैंने जानबूझ के नहीं दिया था, कि अब तक कुछ याद हुआ कि नहीं तुमको, ठीक है? एक नाइट्रोजन 14 ग्राम का होता है, N2 मॉलिक्यूल 28 ग्राम का होगा, ये क्या जाएगा 1/2 यानी 0.5 बराबर। तो एन की वैल्यू आ गई 0.5, आर की वैल्यू 0.0821, 127 प्लस 273 400 केल्विन। और वॉल्यूम कितना बेटा 10 लीटर। बस सॉल्व करो 1.6 एटीएम आएगा, और क्या है? हाँ ठीक है, ठीक है, अरे बट 1.6420, ठीक है 1.6 आ गया, बस समझ में आया। हाँ एटीएम ही आएगा क्योंकि वॉल्यूम लीटर में है ना, तो प्रेशर एटीएम में ही आएगा, ये भी लीटर एटमॉस्फेयर। चलिए अच्छा, अब एक कंसेप्ट आपको और बताता हूँ, ओपन वेसल एंड क्लोज्ड वेसल का ध्यान देना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कभी कभी लिखा रहेगा ओपन वेसल और क्लोज्ड वेसल, उससे तुम क्या क्या जानकारी निकाल के अपना न्यूमेरिकल सेट करोगे वो जरा समझो। ओपन वेसल एंड क्लोज्ड वेसल का कंसेप्ट 1.6 बेटा, अरे ठीक है मालिक 1.642, आगे भी कुछ है, खत्म हो गया, पूरा एकदम भाई राम सर पढ़ाएंगे तो यही हालत होगी ना। हाँ वही बता रहा हूँ ना कि भाई डेसिमल के 3-4 डिजिट तक चले जाते हो। चलो सुनो, इस कंसेप्ट को जरा समझिएगा, ओपन वेसल एंड क्लोज्ड वेसल, क्योंकि यहां से जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, वहां पे आप थोड़ा सा परेशान हो जाओगे। क्यों परेशान हो जाओगे? क्योंकि आप ओपन वेसल और क्लोज वेसल का कंसेप्ट नहीं जानते रहोगे। वो ओपन वेसल बोल देगा और तुम ढूंढते रह जाओगे कि यार प्रेशर दिया ही नहीं है, प्रेशर दिया नहीं, जबकि प्रेशर कांस्टेंट पड़ा रहा है, ठीक है तुमको मानना पड़ेगा। अब जरा समझो, ओपन वेसल का मतलब मान लीजिए ये यहाँ पे गैस भरी हुई है और वेसल आपका ओपन है, ठीक है। क्लोज वेसल का मतलब वेसल क्लोज है, ठीक है, यहाँ पे भी गैस भरी है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इसको, इसको आपको अगले क्वेश्चन में, एक दो क्वेश्चन इसी को अप्लाई करना होगा। चलिए ओपन वेसल में आप ध्यान से देखिए, अच्छा बेटा वॉल्यूम तो कंटेनर का हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे तुम ढक्कन खोल दो या बंद रखो, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या है आपका, वॉल्यूम तो यहाँ क्या रहेगा कांस्टेंट, लेकिन अगर वेसल ओपन किया हो क्या नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेगा क्या? कुछ गैस बाहर भी तो भाग सकती है, ठीक है। इसका मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स होगा ओपन वेसल में वो वेरिएबल होगा, और ओपन वेसल में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर वेसल ओपन है तो इसका मतलब इस वेसल का, इस गैस का कांटेक्ट डायरेक्ट एटीएम एटमॉस्फेयर से है, और एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है 1 एटीएम, यानी ये सारी गैस 1 एटीएम का ही आनंद उठाएंगे, क्योंकि इनका कांटेक्ट डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से इस समय ओपन है वेसल को। इसका मतलब प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है इतना हो गया। अब क्लोज्ड वेसल में आइए, अच्छा साहब क्लोज्ड वेसल में वॉल्यूम तो यहां भी कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम क्या रहेगा कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स शायद अब यहाँ भी कांस्टेंट होंगे क्योंकि वेसल क्लोज है तो गैस बाहर ही नहीं जा पाएगी, लेकिन प्रेशर यहाँ वेरिएबल होगा। प्रेशर यहाँ क्या होगा? वेरिएबल होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर से उसका कांटेक्ट नहीं है। ये बात याद रखोगे तब आगे के दो न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। यानी जब भी बोले ओपन वेसल, देखो वॉल्यूम तो चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो हमेशा कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। ओपन वेसल होगा तो नंबर ऑफ मोल्स वेरिएबल होगा, क्लोज वेसल नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होगा। ओपन वेसल में प्रेशर क्या होता है कांस्टेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और क्लोज वेसल प्रेशर वेरिएबल होता है। अब इस ये नोट्स में यहां पे लिख के दिया है मैंने, अब इस पे क्वेश्चन करें। देखो उसाफ साहब ओपन वेसल या क्लोज वेसल लिख के देगा क्वेश्चन में। चलिए देखिए इस पे दो क्वेश्चन कराते हैं, पहला देखिए आप, ये देखो आईआईटी जेई का क्वेश्चन है ये जो मैं कराने चल रहा हूं, ठीक है। एन अननोन गैस, और ध्यान समझिएगा, an unknown gas of mass 12 ग्राम of mass, आराम से देखिएगा बेटा क्वेश्चन को, अब आपको तो समझ में आएगा कि जे कैसा क्वेश्चन पूछता है, जहां कंपैरिजन करवाता है वो। unknown gas of mass 12 ग्राम, और इसका बेटा मोलर मास दिया है
120 ग्राम, यानी जो अननोन गैस है उसका मास कितना है 12 ग्राम, मोलर मास, यानी आप नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए रेडी हो, ठीक है। चलिए, इज केप्ट इन अ क्लोज्ड वेसल, आप क्लोज्ड वेसल लिखा ना, इसीलिए पहले बता दे क्लोज्ड वेसल में क्या क्या होता है, ठीक है। केप्ट इन अ क्लोज्ड वेसल, ठीक है, एट 1 atm, एट 1 atm एंड t degree celsius, if we increase temperature by 10 degree celsius, अगर मैं टेम्परेचर को बेटा 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करूं तो क्या बोला है, प्रेशर इंक्रीजेस बाय 10%, तो प्रेशर 10% इंक्रीज हो जाएगा। फाइंड फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, पहला 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 127 डिग्री सेल्सियस, तीसरा 173 डिग्री सेल्सियस, चौथा -173 डिग्री सेल्सियस। जरा ध्यान समझ लीजिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। एन अननोन गैस ऑफ मास 12 ग्राम, मोलर मास 120 ग्राम, क्या सबसे पहले इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। अच्छा, बहुत ध्यान समझना, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, 12 अपॉन 120, यानी 1 अपॉन 10, यानी 0.1 मोल, बराबर, यानी 0.1 नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अच्छा, बहुत ध्यान समझना, वेसल कैसी है बेटा, क्लोज, अच्छा बताओ क्लोज्ड वेसल में नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, वॉल्यूम, लेकिन क्लोज्ड वेसल का प्रेशर वेरिएबल, तभी तो देखो जब टेम्परेचर को बढ़ाया, प्रेशर 1 atm से 10% बढ़ गया, दिमाग लगाइए, क्लोज्ड वेसल था, उसने क्या किया, टेम्परेचर को जब 3 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, तो प्रेशर पहले से क्या हो गया, इंक्रीजेस बाय 10%, बराबर, समझ में आया क्या। चलिए, PV इक्वल टू NRT लगाना है, हम यहां दो इक्वेशन बनाएंगे, एक इस टेम्परेचर पे PV इक्वल टू NRT लगाएंगे, और एक बार जब 10 डिग्री बढ़ा दिया था, तो चलिए, तो PV इक्वल टू NRT लगाना है, PV इक्वल टू NRT, इनिशियल प्रेशर कुछ दिया है क्या, यहां पे कुछ नहीं दिया है, इसको चलो मैं क्या मान लेता हूं आपका 1 atm, ये देखो दिया है 1 atm, इनिशियल प्रेशर दिया है 1 atm, इनिशियल वॉल्यूम, सर वॉल्यूम ये दिया नहीं, अरे टेंशन मत लो, कटेगा अभी ये, ठीक है, क्योंकि क्लोज्ड वेसल वॉल्यूम क्या होता है कांस्टेंट, तो जब दो इक्वेशन बनाऊंगा, दोनों इक्वेशन जब डिवाइड मारूंगा कट जाएगा यार अपने आप ही, यही दिमाग लगाना था, वॉल्यूम को भी ही रहने दो, क्योंकि क्लोज्ड वेसल वॉल्यूम क्या होता है कांस्टेंट, वो जानबूझ के नहीं देगा, तुमको मालूम होना चाहिए क्लोज्ड वेसल का वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.1, आर को आर नहीं देते, नहीं रखेंगे वैल्यू, क्योंकि अभी देखो कट जाएगा ये आर, और टेम्परेचर कितना है टी डिग्री सेल्सियस, बट टेम्परेचर तो मुझे कैलकुलेट में रखना होगा, यानी टी प्लस 273 इक्वेशन 1, बराबर। अब क्या बोला, जब मैंने टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, तो अब बहुत ध्यान समझना, यानी टी प्लस 10 प्लस 273, एग्री करते हो, ठीक है, जब मैंने टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो प्रेशर 10% इंक्रीज हुआ, पहले प्रेशर कितना था 180, 1 का 10% यानी 0.1, यानी फाइनल प्रेशर 1 प्लस 0.1 1.1, बस इतना ही सोचना, समझो मेरी बात को, पहले प्रेशर कितना था 180, क्या बोला, जब मैंने टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो प्रेशर 10% बढ़ा, तो पहले का ही तो 10% बढ़ेगा, पहले कितना था 1 का 10% 0.1, तो टोटल प्रेशर कितना हो गया 1.1, समझा, ठीक है। तो अब ये हो गया 1.1, वॉल्यूम को तुम भी रहने दो, क्योंकि क्लोज्ड वेसल है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्लोज्ड वेसल में, अब यही सब बच्चे बचते हैं, तुमको क्लोज्ड वेसल कांसेप्ट ना मालूम होता, तुम क्या बोलते यार नंबर ऑफ मोल्स अब यहां क्या रखें दूसरी इक्वेशन में, क्योंकि वेसल क्लोज्ड है तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होगा, यहां पे भी प्यार से रखिए 0.1, ठीक है, और इनटू आर इक्वेशन 2, अब 2 को डिवाइड मार दीजिए 1 से, ठीक है, यानी इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1, अच्छा इसका मतलब वी कैंसिल, ये कैंसिल, आर कैंसिल, तो क्या बचेगा 1.1 अपॉन 1 इक्वल टू टी प्लस 10 प्लस 273, और इधर क्या बचेगा टी प्लस 273,
इधर 10 से मल्टीप्लाई करके इसको 11 बना लूं, तो ये 11 पाई आपका 10, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर, इक्वल टू टी प्लस 10 प्लस 273 अपॉन टी प्लस 273, यही होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई स्टार्ट करो, इधर क्या आएगा जो स्टार्ट करो, 11 टी, चलो इस पर 11 टी प्लस 11 को उससे मल्टीप्लाई, 3003 आएगा, ठीक है आपका प्लस 3003 ये आ गया। देख लीजिए 11 3 जा 33, 3 आया, 11 7 जा, ओ सॉरी कितना हो गया, हाँ और बराबर चल रहा है ना, 3000 टी प्लस 273 ना, और यहाँ पे हाँ बराबर सही चल रहा है, सही चल रहा है, यानी 3000। अब इधर क्या आएगा बेटा, इधर वाला राइट साइड वाला, ये 10t, ठीक है 10t प्लस ये 100 और प्लस 2730, जरा इसको बढ़ा दो, इनको अब कुछ नहीं दिख रहा होगा, ठीक है चल इतना हो गया। अब क्या करें, 10t को इधर ले आए, तो 11t माइनस 10t इक्वल टू 2730 माइनस 3003 बराबर ये आएगा t इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए, माइनस 173 डिग्री सेल्सियस, डी ऑप्शन इज करेक्ट। कितना, अच्छा 100 इसको कर दो, समझा ये आ गया 170 भाई, इसको 100 जोड़ दो, पहले 2830 और माइनस 3003 सॉल्व करेंगे आएगा 173 और माइनस में आएगा, ठीक है तो माइनस 173 डिग्री सेल्सियस, समझा। तो ये जेई का पैटर्न होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जहां वो ओपन वेसल और क्लोज्ड वेसल के कांसेप्ट को मिक्स करते हैं, तो क्योंकि अगर ये आपको क्लोज्ड वेसल का कांसेप्ट ना होता तो आप पहली बार नंबर ऑफ मोल्स में कंफ्यूज होते कि यार यहां क्या रखूं यहां क्या रखूं, आप वॉल्यूम में कंफ्यूज होते, जब क्लोज्ड वेसल पढ़ लिया यानी वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी फाइनल कटने ही वाला है वॉल्यूम, ठीक है मोल्स भी कांस्टेंट, यही मतलब इस कांसेप्ट से जो मैंने बताया लिख के, ये कांस्टेंट उसी से न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, समझ में आया। तो ओपन वेसल एंड क्लोज्ड वेसल, अच्छा एक चीज और लास्ट बता देता हूँ, कभी कभी क्या बोलता है, जब भी आइडियल गैस का क्वेश्चन आएगा ना वहां पे बीच में एक्वस टेंशन दे देते हैं, जो क्वेश्चन आपको टेंशन दे देता है, ठीक है बीच में लिख देगा एक्वस टेंशन ऑफ दिस इतना, अब तुम इसी क्वेश्चन सुनो टेंशन आता है कि यार ये क्या नया चीज आ गया, हाँ चलो उसको देख लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, एक्वस टेंशन दे देगा तो आपको क्या करना होगा, एक्चुअली दिमाग में लगाओ कि PV इक्वल टू NRT में जो प्रेशर रखा जाता है ना बेटे, वो ड्राई गैस का रखा जाता है, उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, इस बात को दिमाग में सेट करो कि PV इक्वल टू NRT में जो प्रेशर रखा जाता है किसका रखा जाता है, ड्राई गैस का। और होता क्या है, मान लो आपसे बोलूं कि मान लीजिए हम किसी गैस का जब प्रेशर बेटा ऑब्जर्व करते हैं बैरोमीटर से, बहुत ध्यान समझिए, बैरोमीटर एक डिवाइस होती है बेटा जो प्रेशर को निकालती है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई लिक्विड था, इसमें कोई गैस मान लो ऑक्सीजन गैस घुली हुई थी इस लिक्विड में, अब मुझे बैरोमीटर से ऑक्सीजन गैस का प्रेशर निकालना था, यहाँ पे कुछ स्केल बनी रहती है बैरोमीटर में, बैरोमीटर या मैनोमीटर एक डिवाइस होती है जो प्रेशर को मेजर करती है। तो आप मान लीजिए अगर मुझे किसी भी गैस का प्रेशर मेजर करना है, ठीक है इस लिक्विड में कितना ऑक्सीजन घुला हुआ है, तो जब ये गैस अंदर जाएगी तो चांस है कि वाटर भी तो अंदर चला जाए, वाटर जाने का चांस है क्या, इसका मतलब आपकी गैस गीली हो जाएगी क्या, भीग जाएगी भाई, गैस तो गई गई सारा पानी के अंदर घुस गया, इसका मतलब अब यहाँ जो आपको प्रेशर मिलेगा क्या वो ड्राई गैस का हो गया मॉइस्ट गैस का होगा, मॉइस्ट गैस, अब किसी ने आपको फंसा देता है, ठीक है यानी क्या होगा यहाँ पे मॉइस्ट गैस का प्रेशर मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा क्या होता है कि जो ऑब्जर्व प्रेशर होता है, जो तुमको यहाँ प्रेशर ऑब्जर्व हुआ, ऑब्जर्व प्रेशर वो होता है ड्राई गैस का प्रेशर, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस। मॉइस्ट गैस का मतलब ये प्रेशर है वाटर वेपर का, ये किसका प्रेशर है, वाटर वेपर का प्रेशर है, ये मॉइस्ट गैस का मतलब वाटर वेपर का प्रेशर है, और वाटर वेपर के प्रेशर को एक खूबसूरत सा नाम देते हैं एक्वस टेंशन, जो वाटर का जो वेपर प्रेशर उसी को बोलते हैं एक्वस टेंशन। तो जब भी मान लो तुमको क्वेश्चन दे दिया एक्वस टेंशन इतना है, तो समझ जाना जो तुमको प्रेशर दिया है ना वो मत रखना, उस प्रेशर में से आपकी ऑब्जर्व प्रेशर दे दिया, मान लीजिए आपसे बोला भैया ऑब्जर्व प्रेशर है 700 एटीएम और एक्वस टेंशन है 30 एटीएम, तो आप पीवी इक्वल टू एनआरटी सॉल्व करते थे 700 में 30 माइनस करके तब रखना, बस इतना ही कंसेप्ट है एक्वस टेंशन का, यानी कि जब भी, और आपको टेंशन नहीं देते हम कैसे पता चलेंगे कि मॉइस्ट गैस है कि नहीं है,
अगर न्यूमेरिकल में एक्वस टेंशन दिया है तो इसका मतलब आपकी गैस गीली हो चुकी है, सीधी बात, एक्वस टेंशन दिया है तो गैस मॉइस्ट है, तो उसमें क्या होगा, जो प्रेशर ऑब्जर्व दिया है उससे तुम एक्वस टेंशन को क्या कर दोगे, माइनस। तो दिमाग लगाओ ना, यहां से अगर मुझे प्रेशर ऑफ ड्राई गैस निकालना हो तो क्या करूंगा, ऑब्जर्व प्रेशर में से मैं एक्वस टेंशन को क्या कर दूंगा बेटे, माइनस। और ड्राई गैस का प्रेशर ही पीवी इक्वल टू एनआरटी में रखा जाता है, ये भी एक नया कंसेप्ट है आपके लिए, ठीक है। और ये कब यूज करोगे, जब तक न्यूमेरिकल में एक्वस टेंशन ना बोले तो जो प्रेशर दिया है यानी समझना वो ड्राई गैस का ही है, लेकिन अगर एक्वस टेंशन दे दिया गया है इसका मतलब वो मॉइस्ट गैस का प्रेशर है, ठीक है। तो जितना प्रेशर दिया है उससे एक्वस टेंशन को माइनस कर लेना, तब जो प्रेशर आएगा वो ड्राई गैस का होगा, उसको तुम पीवी इक्वल टू एनआरटी में रखोगे। बात समझ में आया, समय तो हो गया है ना, चलो जो एक दो क्वेश्चन बच गए हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम ले लेंगे आपका। यहाँ पे इसका ले लेंगे ड्राई गैस एक्वस टेंशन वाला, एक करा दूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर। चलिए नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं बेटा।